नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बरेली, बरेली 13 अक्टूबर विशेष सिंचाई रोग नियंत्रण अभियान 2022 के अंतर्गत चूहा व चुचुंदर की रोकथाम हेतु कृषक गोष्ठी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भुजिया जनूबी विकास खंड भोजीपुरा के ग्राम प्रधान हृदयेश कुमार की उपस्थिति में किया गया, जिसमें प्रभारी कृषि रक्षा इकाई भोजीपुरा श्री नरेश कुमार गंगवार एवं लगभग 50 कृषकों ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर राजेश कुमार संयुक्त कृषि निदेशक बरेली मंडल बरेली द्वारा उपस्थित कृषकों को विशेष संचारी रोग प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पराली प्रबंधन के साथ अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। जब भी मौसम का उतार चढ़ाव होता है, यानी एक मौसम समाप्त होता है दूसरा प्रारंभ होता है। जैसे गर्मी खत्म हुई बरसात शुरू हुई, बरसात खत्म हुई ठंड शुरू हुई, तो ऐसे में जो हमारे वातावरण में और हमारे जो आसपास में बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उन्हें पनपने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। उसके जाने ना जाने में हम और आप जो है, घर के बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो चपेट में आ जाते हैं और विभिन्न प्रकार की संक्रमित बीमारियाँ हमें और आपके लिए हो जाती हैं, जिनके लिए हमें बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है। तो गवर्नमेंट उस पर सजग करने के लिए सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, पंचायती राज विभाग लगा हुआ है, आपकी ENM है, आशा है, हमारा कृषि विभाग भी इसी में सम्मिलित है। कृषि विभाग का भी इसमें थोड़ा रोल रहता है। तो मैं आपके लिए बताना चाहूँ, देखिए इस समय मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हम आपसे कहें कि साहब अपने घरों में आप खिड़की दरवाजों पर जो है जालीदार किवाड़े लगवा लो, तो ये नामुमकिन है। ग्रामीण प्रदेश का आदमी है तो बेचारा गरीब है, उसके पास ये व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, लेकिन सुरक्षात्मक उपाय वो अपना सकता है। क्या कौन कौन से, जैसे कि मच्छरदानियाँ हैं, मच्छरदानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें आप लोग, मच्छरदानी लगा कर रात को सो जाते हैं, रात को जो मच्छर काटते हैं उनसे मलेरिया है, आपका टाइफाइड है, इस तरह की बीमारियाँ जो है बुखार आने से तो होती हैं, निमोनिया है, तो ये चीजें तो उससे होती हैं। बाकी ये डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी आजकल है, आज मैं पेपर पढ़ रहा था कि बहुत तेजी से जो है मरीज बढ़ रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फर्क आया है। आज एक नवाबगंज में किसी महिला की जो है डेथ हुई है, नवाबगंज के कोई गांव रहा है उसमें, और उसी गाँव में जो है टीम मान नहीं रही थी कि यहाँ पर डेंगू फैला हुआ है, और चेक हुआ है तो वहाँ